आज बिल्कुल सही सिद्ध हुई हैं। एक मुश्किल से 48 घंटे पहले सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो आपने प्रकाशित किया है, कि हर प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप, हर प्रकार के गलत रूप से बेंच सिलेक्शन के प्रोसीजर्स जो आधारित थे बाहर के आदेशों और हस्तक्षेपों पे, जिसमें राजनीतिक द्वेष घुसाने का प्रयत्न किया गया था, उसके ऊपर सही आवाज उठाई गई थी उस वक्त। मैं अभी शुरुआत में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में इस मुद्दे को कैसे टैकल करती है, कैसे हल करती है, कैसे डील करती है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पूरी तरह से व्यापक रूप से सक्षम है, हर प्रकार से करने में सबल है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें आज कांग्रेस पार्टी की हैसियत से आपके समक्ष इस बात से मतलब है, जिसका एक शब्द में परिभाषा है, जवाबदेही। आपके जरिए देश जवाबदेही मांगता है, इस सरकार से, प्रधानमंत्री से और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष से। जवाबदेही तुरंत चाहिए, जवाबदेही इसलिए चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता। जवाबदेही चाहिए जानने के लिए कि सही स्वरूप क्या था ऐसे हस्तक्षेप का, सही तौर तरीका क्या था इसका, हस्तक्षेप करने वाला कौन था, वार्तालाप किसने किया, कौन से ये केसेस थे, क्या उनका सब्जेक्ट मैटर था, ये और इससे अन्य संबंधित सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है एक गौरवशाली गणतंत्र को, जिसमें हमारा चमकता हुआ सितारा न्यायपालिका है। मैं समझता हूं साथ साथ ये हमारा पूरा अधिकार क्षेत्र है, हर नागरिक का, हर राजनीतिक पार्टी का, कि वो भर्त्सना करे ऐसे असंवैधानिक तौर तरीकों की, ऐसे इल्लीगल तौर तरीकों की, और इस सरकार के विषय में जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के लिए सुप्रसिद्ध है, गलत कामों का जिन्होंने पीएचडी ले रखा है एक विशेष डिपार्टमेंट में, हर पुरानी जड़ों वाली संस्था को गिराने, तोड़ने, अंदर से खोखला करने में जो 2014 से शुरुआत में लगे हैं और कई जगह अलग अलग डिग्रीज में सफल हुए हैं, उन संस्थाओं की सूची लंबी है। उस श्रृंखला में सीबीआई भी आती है, सीआईसी भी आती है, लोकपाल भी आता है, हमारी विश्वविद्यालय भी आते हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन सबसे सर्वोपरि उच्चतम न्यायालय आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जरिए कि क्या कोई सोच भी सकता है ऐसी चीजों का संकेत, महत्व, प्रभाव, दुष्प्रभाव, जिसका जिक्र माननीय सेवानिवृत्त जज ने किया है, क्या असर था उन केसेस का, क्या सब्जेक्ट मैटर था उन केसेस का, कितनी बार हुआ यह हस्तक्षेप। एक बात तो सही है, सिद्ध हो गई है, प्रमाणित हो गई है कि जो जो हमने कहा था और जो प्रयत्न हमने किए थे सबसे अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के, वो सभी सही थे, वे तथ्यों के आधार पे थे, वे सच्चाई पे आधारित थे, ये आज प्रमाणित हो गया है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि किस प्रकार से ये सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी काम करती है, इसकी कार्यशाली क्या है, कार्यशैली क्या है, और विशेष रूप से कैसे सोचती है, इसकी पहचान, इसका व्यक्तित्व क्या है। इससे मालूम पड़ जाता है कि इसको अपनी संस्थाओं,
जो कि हमारे देश के नींव है, पिलर्स हैं, उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। इसको तो अपनी सस्ती राजनीति से चिंता है। सस्ती राजनीति चल जाए तो बाकी सब भाड़ में जाए। सस्ती राजनीति और साथ साथ अपने दो सर्वोपरि गणमान्य व्यक्ति, एक सरकार के ऊपर जो बैठे हैं और एक सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर बैठे हैं, जहां तक इनका उल्लू सीधा हो बाकी देश भाड़ में जाए, उसकी संस्थाएं भाड़ में जाए। इसलिए हमने कहा इब्राहिम लिंकन के उस शब्दावली को बदलते हुए कि दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ द इंटरफेयरिंग बाय दोज हु हैव मच टू हाइड एंड फॉर कवर अप ऑफ इट्स फेलियर्स। सो इट इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट ऑफ द बाय द एंड फॉर द, लेकिन इसमें पीपल कहीं नहीं आते, पीपल शब्द मिसिंग है। हम तुरंत क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, हम आश्वस्त हैं कि कभी कोई क्लैरिफिकेशन आने वाला नहीं है, न माननीय प्रधानमंत्री से, न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से। साथ साथ मुख्य आरोपित इसमें अगर हैं तो कार्यपालिका के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं, और मुख्य आरोपित हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष इसमें हैं। तो इसलिए इसमें तुरंत साथ साथ एक स्वतंत्र व्यापक संसदीय कार्रवाई अलग और एक स्वतंत्र व्यापक न्यायिक कार्रवाई दूसरी तरफ अत्यंत आवश्यक है, हम उसकी मांग करते हैं। ये तो सिर्फ ऊपर के चेहरे का एक आंशिक पोर्शन है, अभी तो तहकीकात और कार्रवाई से कितने ऐसे गड़े मुर्दे निकलेंगे आप सब जानते हैं, और इसलिए हम इसकी मांग आपके जरिए तुरंत करते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।